हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपको कच्चे गोश्त के कबाब बना कर दिखाऊँगी। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने कुछ बड़े और कुछ छोटे पीस लिए हैं। ज़्यादा छोटे पीस नहीं लेना है। गोश्त कूटने के लिए मैंने एक सिलबत्ता लिया है। एक एक पीस सिल पर रखते जाएंगे और बत्ते से कूटते जाएंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस गोश्त को अच्छे से कूट लेना है, जिससे गोश्त आपस में जुड़ा भी रहे और बारीक भी हो जाए। देखिए, इस तरह से गोश्त जुड़ा भी हुआ है। कुछ गोश्त के पीस छोटे भी हैं। इसी तरह मैं सारे गोश्त को कूट लेती हूँ। इसको उठाकर एक थाली पर रखते जाऊँगी। सारा गोश्त मैंने कूट लिया है। देखिए, इस तरह से गोश्त को कूटना है। देखिए, पीस आपस में जुड़े भी हुए हैं, कुछ छोटे पीस भी हैं। बस इसी तरह से गोश्त को कूटना है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 20 हरी मिर्चें लेकर इनको मैं पीस लूँगी। 1 किलो बकरे के गोश्त के मैं कबाब बनाऊँगी। 1 और आधा छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच नमक और 2 नींबू का रस मैं इसके ऊपर डालूँगी। 1 कटोरी धनिया पत्ती धोकर अच्छी तरह काट लें। धनिया पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में डालें, बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। अगर फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, 1/2 कटोरी। सारे मसालों को गोश्त के साथ में अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छे से मसल कर मिक्स कर लें। सारे मसाले गोश्त के साथ में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। इसके बाद कुछ बड़े और कुछ छोटे पीस लेकर गोल लोई बनाना है। हल्के हाथों से दबा दबा कर गोल लोई बनाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो जो मसालों का जूस और लेमन जूस है वो सारा बाहर निकल जाएगा। देखिए, जब गोल लोई बन जाए तो इस तरह से टोस्ट करते हुए और गोल आकार का शेप दे दें। देखिए, इस तरह से मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कबाब बन गया है। अब इसको एक कढ़ाई में मैं रखते जाऊँगी। देखिए, मैं दूसरा कबाब आपको बना कर दिखाती हूँ। कुछ पीस गोश्त के बड़े लेना है, कुछ छोटे, और मिक्स करके गोल लोई बनाकर हल्के हाथों से टोस्ट करते हुए चपटा करके कबाब बना लें। सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। गैस की फ्लेम को हाई करके उसमें मैंने कढ़ाई रख दी है। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, जो भी पानी निकलेगा वो गोश्त में से ही निकलेगा। देखिए, इस तरह से जब पानी निकलने लगेगा तो कढ़ाई को कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद ढक्कन हटा देंगे और फ्लेम को हाई करके सारा पानी को सुखा लेंगे। जो मिडिल में कबाब है उनको साइड में करते जाएंगे और साइड वाले कबाब को मिडिल में कर लेंगे। हल्के हाथों से ही करना है। देखिए, इस तरह से सारा पानी सूख जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। कबाब को प्लेट में निकाल लूँगी और उनको ठंडा कर लूँगी। इसके बाद आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और एक एक करके उबले हुए कबाब में इसमें डालते जाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर ही कबाब को फ्राई करना है। जितने कबाब एक बार कढ़ाई में आ जाएँ उतने ही डालें। कुछ देर इनको ऐसे ही रहने दूंगी। इसके बाद इनको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूंगी। देखिए, इस तरह से पलटते जाएं और अच्छे सुनहरी होने तक इनको फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। एक एक करके इन कबाब को मैं निकाल लेती हूँ। तिरछा करके सारा तेल निथाल लेंगे और इनको एक मैं टिश्यू पेपर पे रखते जाऊँगी। देखिए, थोड़े से कबाब मैंने आपको फ्राई करके दिखाए हैं। जब कबाब फ्राई हो जाएंगे तो इनको ऊपर चाट मसाला पाउडर या फिर जीरा मन डालें और गर्मा गर्म सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन टेस्टी कबाब बने हैं। इन कबाब को हम अपनी मनपसंद हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये कबाब हम बड़े के गोश्त के या फिर बकरे के गोश्त के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी कबाब बनते हैं। तो आप भी ये बकरे के गोश्त के कबाब बनाइए। कच्चे गोश्त से बने हुए ये कबाब बहुत ही टेस्टी लगते हैं, सभी को पसंद आएंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बार फिर जायकेदार खाने में। अल्लाह हाफिज़।